खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अमूमन संविधान की शपथ का ये वक्त होता है, लेकिन आज अगर कोई शपथ ले रहा है तो शौर्य गाथा की ले रहा है, और शौर्य गाथा अगर किसी की आज बयां होनी चाहिए तो वो है विंग कमांडर अभिनंदन। जी हां, विंग कमांडर अभिनंदन अब से कुछ देर में अपने वतन लौट कर आएंगे, आपके हमारे हिंदुस्तान लौट कर आएंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं आपका अभिनंदन है। हम उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सुबह से हमारे लिए कोई खबर नहीं है, खबर बस यही है कि देश का ये लाल, ये सपूत, ये वीर आज अपनी धरती पर लौट कर आ रहा है, और सिर्फ यूं ही लौट कर नहीं आ रहा है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर कर आ रहा है, दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर यह कहकर आ रहा है कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। आप इसके माने समझ रहे हैं, वो भी तब जब हालात इतने टेंस थे, वो भी तब जब आप जानते हैं वीडियोज में दिख रहा था कि क्या कुछ हो रहा था विंग कमांडर अभिनंदन के साथ। मैं जल्दी से अब तक क्या कुछ हुआ आपको बताना चाहती हूं। देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौट रहे हैं, 54 घंटे से पाकिस्तान की कस्टडी में रहे, थोड़ी देर में ही वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं अभिनंदन, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस्लामाबाद से अभी लाहौर नहीं पहुंचे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, और इसीलिए कोई समय सीमा आप जानते हैं, रोड की अगर बात करें तो आप बांध नहीं सकते उसमें। 54 घंटे से पाकिस्तान की कस्टडी में रहने के बाद अभिनंदन वतन लौट रहे हैं, और यकीन मानिए जब मैं ये कह रही हूं कि पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, तो सच में पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है और याद कर रहा है और इंतजार कर रहा है। चप्पे चप्पे पर, किसी भी कोने, किसी भी नुक्कड़ पर पहुंच जाइए, बात आज विंग कमांडर अभिनंदन की ही हो रही है। जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं, और साथ में ये भी बताना चाहती हूं कि एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है, अभिनंदन की बड़ी तैयारी की गई है। फौज है रिपोर्टरों की हमारी भी, अलग अलग इलाकों में मौजूद है, हर वो एंगल, हर वो तस्वीर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है, जद्दोजहद इस बात की ही है कि वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं आप, कि सोचिए 54 घंटे बाद विंग कमांडर जो कि कस्टडी में थे, जिनको POW तक कहने की कहा जाने लगा था, वो जब लौट कर आ रहे होंगे तो क्या वो एक्सप्रेशंस होंगे। माँ बाप विंग कमांडर अभिनंदन के पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जगविंदर पटियाल वाघा बॉर्डर से हैं, IPC यानी इंटीग्रेटेड पोस्ट चेक से मौजूद हैं। हमारे साथ प्रतिभा भी मौजूद है, प्रतिभा से भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले जगविंदर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और उसके बाद MS बिट्टा साहब हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय सोए हमारे साथ है, और स्कंदयाल साहब भी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमैट और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इनसे भी बात करेंगे। वेलकम जेंटलमैन, मैं आप लोगों से बात करूं उससे पहले जगविंदर से जरा सा अपडेट ले लेना चाहिए। जगविंदर, सुबह से आप लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, अभी वहां IPC से आपके पास क्या जानकारी आई है बताइए। रूबिका, ये मोर्चा तो बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े मोर्चों के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ इंटरनेटेड चेक पोस्ट पर अपडेट ये है कि यहाँ पर एयरफोर्स के और आर्मी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। जो दिल्ली से टीम आई थी एयरफोर्स के अधिकारियों की, वो टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। जो एडवांस टीम एयरफोर्स की है वो भी अटारी में पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि अभी वाघा नहीं पहुंचे हैं हमारे विंग कमांडर, और वहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। वहां लोगों का जबरदस्त जमावड़ा आ रहा है, लोगों को जो प्रदर्शन करना था पाकिस्तान उसको करना ही चाहता है, उनकी तरफ से लोगों को रोका नहीं जा रहा है। हाँ, मीडिया जो पाकिस्तान का है और इंटरनेशनल मीडिया, उसे 500 मीटर पीछे रोक दिया गया है, उनको वाघा के जो बिल्कुल आखिरी सरहद का पॉइंट है वहां तक आने की इजाजत नहीं दी गई है, केवल पाकिस्तान टीवी को दी गई है। तो कुल मिला के ये सूरत हाल है वाघा और अटारी सीमा पर, लेकिन अभिनंदन के अभी लाहौर पहुंचने की खबर नहीं है, और 4 से 6 के बीच में उनके भारत आ जाने की सूचना हमने पहले भी दी थी, अब भी दे रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे जब वो वाघा पहुंच जाएंगे कि कब अभिनंदन वाघा पहुंचे और कब वो अटारी में प्रवेश करेंगे भारतीय सीमा के अंदर। अच्छा जगविंदर, जल्दी से बता दीजिए ना कि उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। मान लीजिए 4 बजे का पहले वक्त था, अभी तक तो वो पहुंचे भी नहीं है, कितना और टाइम अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो? देखिए, पुलिस अफसर तो मुझे ये बता रहे हैं, जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, कि
छह बजे के आसपास का टाइम रहेगा। चार बजे के बाद मान लीजिए कि आधा घंटा तो आप आराम से मान के ये चलिए कि उधर इमिग्रेशन और कस्टम वाले लगाएंगे। जब वो यहाँ सरहद क्रॉस करेंगे, एयरफोर्स की टीमें जो गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं पूरी सुरक्षा के बीच उनको लेकर जाएंगी राजा सांसी एयरपोर्ट पर जो अमृतसर में है, और वहां से हवाई रास्ते से उनको दिल्ली लेके जाया करेगा। इसके बीच में मेडिकल कहाँ होना है ये एयरफोर्स को तय करना है, और कौन उनका मेडिकल करेंगे ये भी एयरफोर्स तय करेगी। अब तक ये जानकारी मिल पाई है। अच्छा, खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, लेकिन प्रतिभा जरा ये बताइए आपके आसपास किस तरीके का जश्न का माहौल है? ऐसा होता है कि आप जब जोश के साथ पहुंचते हैं, अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर पहुंचते हैं, आपके काम काज छोड़कर आप पहुंचते हैं, फिर आपको लगता है दो बजे आने वाले थे नहीं नहीं आए, चार बजे आने वाले थे नहीं नहीं आए, क्या वो जो एक्साइटमेंट है वो थकान में तब्दील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको प्रतिमा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं रूबिका, थकान मुझे किसी के भी चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आई है। जो स्थिति है यहाँ की वो मैं लगातार दिखा रही हूँ, और अब टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। और ये आपको जो जिस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात लगातार मेरे सहयोगी जगविंदर कर रहे हैं वहां की भी तस्वीरें आप देख सकते हो, और यहाँ पर हर एक की निगाहें उसी चेक पोस्ट की तरफ है। यहाँ जो जनता भीड़ दिखाई दे रही है अब वो बड़ी बेसब्री से उस तरफ देख रही है, क्योंकि हाल फिलहाल जो माहौल वहां बना है एकाएक माहौल ये बना है कि लगातार एक बड़ा काफिला वायुसेना की गाड़ियों का इसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वाले गेट से अंदर गया, और अंदर जाने के बाद कुछ गाड़ियां काफिले की काफी सारी गाड़ियां जो है वो बाहर की डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो गई है, यानी बाहर निकलने की तैयारी जैसा माहौल यहाँ पर बन चुका है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते। और आपको ये भी बता दूं कि यहां पर जितने लोग हैं, मीडिया के भी लोग हैं, आम जन लोग हैं, जितने लोग यहां अभी तक नाच गा रहे थे, थकान नहीं कहूंगी, नाचना गाना बंद हुआ तो इसे थकान नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये सब लोग अब टकटकी लगाए उस गेट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एकाएक वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, तो लोगों को लग रहा है शायद हमारा पायलट हमें यहीं से आता हुआ नजर आएगा। रूबिका, बस वो पल का ही तो इंतजार हो रहा है प्रतिभा, और ये आपने एक अच्छा एंगल चुना है जहां से एबीपी न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं वो जो कुछ भी वहां पर हो रहा है एक डिस्टेंस से देख सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू अगर मैं से कहूं ना तो गलत नहीं होगा। ठीक है प्रतिभा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एमएस बिट्टा साहब इसे शब्दों में बयां करेंगे आज आप, क्या क्या शानदार खबर है बिट्टा साहब? देखो पिछली बार भी आपके पास आया था तो मुझे लगता था हमारे लिए बड़ा मुश्किल होना, अभिनंदन जी का आना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे हालात जंग के हालात एकदम बिल्कुल बन चुके थे, पर इतनी जल्दी वो अपने वतन भारत लौट आएगा, भारत माता की जय करते हुए हमारे सबके लिए पूरे देश के आम पब्लिक के लिए एक बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। पर हमें ये जरूर सुचेत रहने की जरूरत है कि अभिनंदन जी के आने से कहीं हमारी गवर्नमेंट, हमारी सुरक्षा फोर्सेज कहीं कमजोर ना पड़ जाए। हमारी पॉलिटिकल विल जिस तरीके से थी कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कैंपों पे हमने जाके बहादुरों ने हमला किया, हमें आगे बिल्कुल सुचेत रहना है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है, क्योंकि जो आगे होने वाली चीज उसको अभी सोचना है। चुनाव आने वाला है, हर पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिशियन सड़कों पे वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, सत्ता की खातिर सड़कों पे आ जाएगा। राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ, बेअंत सिंह जी के साथ क्या हुआ? आप एक बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं एमएस बिट्टा साहब, मैं इस पर और डिटेल में बातचीत करूं, उससे पहले एक बयान सुनवाते हैं। देश को अभिनंदन पर गर्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, और फिर बिट्टा साहब आपकी बात को मैं आगे ले जाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक बार प्रधानमंत्री का बयान जी 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 एवरी इंडियन इज प्राउड that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. Every Indian is proud that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. पर मुझे लगता है बिट्टा साहब ही belongs to every single Indian's heart today. सर आप अग्री करेंगे इस बात से या नहीं? बिल्कुल, पूरा देश बहुत उत्सुकता से इस समय प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारे देश के सपूत पायलट स्क्वाड्रन विंग कमांडर अभिनंदन आए, वापस आए, बहुत जल्दी आए। पर मैं समझता हूँ कि कैसे आए वो पाकिस्तान को बहुत ठीक से हैंडल करना चाहिए, वो उनका स्पेक्टेकल ना बनाए वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि इस समय ये जो रिट्रीट विट्रीट जो होती है वहाँ, तमाशा जो अटारी पे होता है, उसके बाद क्वाइटली लाएं, और हमारी तरफ उत्सुकता बहुत है। बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ देशवासी वहाँ इकट्ठे हैं, आप सब लोग इकट्ठे हैं, पर उनको मैं समझता हूँ तमाशा ना बनाया जाए, क्वाइटली बिल्कुल लाके और
क्लोज गाड़ियों में लेके फौरन दिल्ली लेके आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिल्कुल ऑपोजिट व्यू की हूँ। मुझे लगता है उस तस्वीर को हर किसी को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो गर्वान्वित करने वाली तस्वीर होगी। और उस शख्स को क्यों अकेले में लाना जिसने दुश्मन की आंख में आंख डालकर, और ये रेटोरिक्स नहीं है सर जब मैं ये कह रही हूँ, मतलब हर एक हिंदुस्तानी देखना चाहेगा कि ये गजब का योद्धा, और जब वो अपने वतन से मिलेगा वो तस्वीर कोई कैसे मिस कर सकता है। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है कि पाकिस्तान उसको किस तरह से पेश करेगा और बड़ा एक पूरी दुनिया में दिखाएगा कि उसने कितना बड़ा दिल दिखाया और दो दिन के अंदर हमारे जवान हमारे पायलट को वापस कर दिया और पूरा स्पेक्टेकल उस तरफ बनाना। फिर क्या वहाँ पाकिस्तान की जनता किस तरह के नारे लगाएगी, क्या लगाएगी, मैं समझता हूँ इससे दूर रहें। हमारे यहाँ हम लोग जो करें वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, मीडिया के ऊपर है, पर मैं ज़्यादा चिंतित हूँ कि पाकिस्तान इसको किस तरह से ट्रीट करता है। पाकिस्तान बॉर्डर तक जब तक वो आए तब तक उन्हें पाकिस्तानी जनता का कोई एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सर व्हाट डू यू थिंक? ऐसा है कि आज जब पूरा देश गर्व से है और पूरा देश आज इकट्ठा है कि अभिनंदन वापस आ रहे हैं, वीरता का काम कर और जिस प्रकार उन्होंने अपना वहां पर एक कंपोजर मेंटेन रखा, अपने आप को एक गर्व के साथ एक सिपाही के तौर पर जिस तरह से होता है, पूरे देश को इस चीज पर बहुत गर्व है। और एक सिपाही क्या चाहता है, एक सोल्जर क्या चाहता है कि जब वो वापस आए तो जिस प्रकार का देशभक्ति का जज्बा उसमें है, क्या पूरे देश में ऐसा जज्बा है? और वो जज्बा आज हमें नजर आ रहा है वहां पर, और जब वो आएगा तो उसे गर्व की फीलिंग होगी कि मैं जब आया हूँ पूरा देश आज मेरे साथ। अच्छा, और जो स्कंद साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे आपको इस बात का मतलब आप इस बात से अग्री करेंगे क्या कि पाकिस्तान जो ड्रामा क्रिएट करना चाहता है और जो दुनिया के सामने पोर्ट्रे करना चाहता है वो उसमें कामयाब हो जाएगा? ऐसा है कि पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा, करना नहीं चाहिए, ये बात मैं सिकंद साहब से बिल्कुल करता हूँ, मानता हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छा मैं डिबेट करूँ उससे पहले, सर मुझे बार बार ये लग रहा है कि हमें स्टूडियो से ज्यादा उन तस्वीरों पर जो है केंद्रित रहना चाहिए, फोकस रहना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। एक बार फिर से वाघा बॉर्डर चलते हैं, एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रतिभा वहां पर मौजूद है, वहां पर मौजूद है जगविंदर पटियाल, और ये देखिए लहराता हुआ तिरंगा आपको इस वक्त नजर आ रहा है, टकटकी लगाए हर कोई, बस वो कदम ताल देखना चाहते हैं जब विंग कमांडर, वो योद्धा, वो वायुवीर, वो एयर वॉरियर आपके सामने आपकी धरती पर लौट कर आ रहा है। प्रतिभा जी, प्रतिमा, आई एम सॉरी, आप जी रुपया, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो माहौल है वो लगातार मैं टॉप एंगल से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर देख रहा है। सुरक्षा के इंतजाम तो है ही है, लेकिन अब हर कोई जो इस तरफ गाते झूमते नजर आ रहा था वो अब यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर बस एक टुक उस गेट की तरफ देख रहा है जो सामने तस्वीरों में आप और हम भी देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आप और हम भी देख रहे हैं। बीएसएफ के जवान, पंजाब पुलिस के जवान यहां पर मौके पर मौजूद हैं। गाड़ियां हम देख सकते हैं यहां पर, जिसके आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है और लगातार गाड़ियों का काफिला आ जा रहा है, तो सबकी निगाहें बस इसी ओर है। जब भी कोई गाड़ी यहां से गुजरती है हर किसी को यही लगता है कि शायद अब अभिनंदन उन्हें देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है कि यहां खड़ा हुआ हर शख्स जो अब तक झूम रहा था, गा रहा था, वो थका तो नहीं है, लेकिन अभी वो सिर्फ एक टक नजर उधर गड़ाए हुए है कि शायद आने जाने वाली किसी गाड़ी में उनको उनका पायलट देखने को मिल जाए। जगविंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, क्या प्रोसेस रहने वाला है और क्या वो आप रूट बता सकते हैं कि कहां से आ सकते हैं, मतलब कुछ क्लैरिटी अब तो आ गई होगी जगविंदर? देखिए अभी क्लैरिटी जो वाघा का मैं सुन रहा था अभी मैसेज, उन जो मेरे दूसरी तरफ जो है वो मेरे सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि अभी वाघा की तरफ भी नहीं पहुंचे हैं, इस्लामाबाद से चले हुए हैं। भारतीय जो दूतावास के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ हैं, इसके अलावा पाकिस्तान अथॉरिटीज उनके साथ हैं और जो इंटरनेशनल रेडक्रॉस होती है वो अथॉरिटीज उनके साथ हैं, लेकिन अभी वाघा पर नहीं पहुंचे हैं विंग कमांडर। और जब वाघा पर पहुंचेंगे उसके बाद ही उनकी जो बाकी की वहां कागज से संबंधित जानकारियां और जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं वो पूरी हो पाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था, कुछ तस्वीरें मेरे पास आई हैं, मैं जल्दी आपको भी भेजूंगा, कि लोगों को लगातार वहां पर द बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से डबल डेकर बसेस से वहां पहुंचाया जा रहा है और वहां पर मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को 500
500 मीटर के करीब पीछे रखा गया है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो भी इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए पाकिस्तान की साइड से, कि वो देख सके कि जिसे पाकिस्तान ने पकड़ा था वो भारतीय जांबाज है कौन। तो पाकिस्तान जिस तरह से बैकफुट पर गया है, उनके लोगों को भी ये क्रेज हो गया है कि जो F-16 को मारने वाला भारतीय वायुसेना का जो पायलट है उसको देखने के लिए चला जाए, इसलिए वहां काफी भीड़ जमा हो रही है और उन्होंने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कैंसिल नहीं की है पाकिस्तान ने। और आपके पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई देने लगी है जगविंदर, ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही एहसास होता है कि वहां से बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, ये तो सुबह से सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए, देखिए डांस देखिए, पंजाब का डांस जो है वो हमेशा छाया रहा है दुनिया पर, चाहे पंजाबी गीत हो चाहे पंजाबी डांस, ये लगातार आई लव माई इंडिया की कैप डाल के क्या जवान क्या बुजुर्ग हर कोई चेहरे पर तिरंगा पुतवाए हुए नाच रहा है, हाथ में तिरंगा झूल रहा है। ये देखिए ये शानदार अटारी पर अभिनंदन के लिए पहुंचे हैं और अभिनंदन किसका होना है, भारतीय पायलट अभिनंदन का, इसीलिए सुबह से ये माहौल है। बीच में बादल भी आए लेकिन ये लोग हिले नहीं, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए लोग यहाँ पहुंचे थे वो भी इसमें शामिल हो गए, बहुत सारे लोकल लोग हैं जो ढोल के साथ तिरंगे के साथ सुबह से यही खड़े हैं। ये देखिए किस तरह से अभिनंदन, तेरा अभिनंदन है, अभिनंदन तेरा अभिनंदन है, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। दुनिया वाला बुरी नजर ना हम पे डालता है, जितना जोर लगा रहा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है हो तुम भी कहो। मैं कहना चाहूंगा बारी बरसी खड़न गया सी, खड़के लिया चंदन, भंगड़ा पाओ भारतीय आया है अभिनंदन। देखिए कह रहे हैं कि भंगड़े डालो क्योंकि आ रहा है अभिनंदन। निकला जहाज लेके, मैं निकला जहाज लेके, एक मोड़ आया मैं उसे बम छोड़या, मैं उसे बम छोड़या। समझा देता हूँ आपको रूबिका, ये कह रहे हैं ये गदर फिल्म आई थी सनी देओल की, उसके गाने पे इन्होंने अभिनंदन पे गाना बनाया है कि मैं निकला जहाज लेकर, रास्ते में एक मोड़ आया जहाँ मैं बम छोड़ आया, यानी अभिनंदन ने बम गिराया है। तो यही है पंजाब का जज्बा, हिंदुस्तान का जज्बा और अटारी पर ये माहौल सुबह से ही बना हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय वाले कर लो कहीं सारी जंग जल रहे हैं। मैं एक जरूर गल कहूंगा देशवासियों को, आज जो कि हम सभी देशवासियों को एक चीज कहना चाहते हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना नहीं, आज 112 इंच का सीना होकर दिखाया। और मोदी पर दुनिया को विश्वास है, भारतीय सेना पर विश्वास है, भारतीय सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। जगविंदर अभी पाकिस्तान पूरे देश के युवा एक मैसेज देना चाहते हैं, जो चाह ये भारत के युवा सारे बॉर्डर पार करके पाकिस्तान का एक एक आतंकवाद खत्म करने तैयार है, तो इस वक्त पूरी सरकार साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाल पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, ये है जज्बा भारत का। देखा रूबिका आपने कितना बड़ा मोर्चा, कितना बड़ा लोहा लेने के लिए तैयार है ये लोग। जगविंदर आपने कहा था कि एयरफोर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और कोई भी नहीं, ना तो वहां की लोकल गवर्नमेंट को कुछ करने दिया जाएगा, ना ही BSF और ना ही कोई और फोर्स। देखिए देखिए रूबिका, खबर ये आ रही है कि द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बाद पाकिस्तान भेजेगा अभिनंदन को अटारी सीमा की तरफ, ये खबर हमें वाघा से आ रही है, जो हमारे सोर्स उधर मौजूद हैं उनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि अब परेड के बाद हैंडओवर किया जाएगा, यानी हमें तकरीबन आधा पौना घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। जो हम कह रहे थे कि लोगों को वहां जमा किया जा रहा है और जमा करने के बाद इस बात का माहौल बनाया हुआ है दोनों तरफ,
और अब ये कहेंगे कि भाई हम उसको परेड के बाद भेजेंगे, यानी लोग ये देख सके कि कौन वो पायलट है जिसे पाकिस्तान ने पकड़ा था और अब जिसे शांति के तौर पर, जिसे पीस जेस्चर के तौर पर वापस भेजा जा रहा है। ये एक तरह से लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर नियत में खोट नहीं है, ये जो बीटिंग की रिट्रीट सेरेमनी जहां होती है वहीं से वो आएंगे ना, बिल्कुल वही रास्ता है। तो अब मुझे बताइए, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो कितना टाइम लेती है, पूरा पूरा वो मुकम्मल हो जाए कितना टाइम? देखिए, इसमें पौने घंटे से लेके एक डेढ़ घंटा लग जाता है, लेकिन होता क्या है, जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म होती है रूबिका, उसके बाद वो लोग वहाँ फोटो सेशन करने लगते हैं, जवानों के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तो ये पाकिस्तान उस वक्त उसको इधर भेजेंगे ताकि लोग ये देख सके। तो आप ये बात समझिए कि बीटिंग द रिट्रीट खत्म होने के बाद एकदम माहौल खाली नहीं हो जाता है, उसके बाद लोगों को आजादी मिल जाती है वहाँ फोटो खिंचवाने की। अच्छा, तो वहाँ के लोग जब हैंडओवर कर रहे होंगे वो मोबाइल से फोटो खींच के भेजेंगे। एक और चीज, तो पाकिस्तान करना चाहता है। बीटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी है ये 5 बजे का तो नहीं है, तो जब सनसेट होता है वो टाइमिंग होता है, तो वहाँ का जो टाइमिंग हमने 6:28 का टाइम है, दरवाजा बंद हो जाता है, एक्चुअली गेट तो बंद हो जाता है। ये बड़ी सोचने की स्थिति है कि हम कैसे अपना सेरेमनी के बाद कैसे आएंगे, ये मेरे लिए बड़ी सोचने का। को हम जाते रहते हैं, पटियाल जी को इसका और ज्यादा पता होगा कि उसके बाद क्या लाया जा सकता है या उससे पहले बाद में, मुझे समझने की बाद में वो ला सकते हैं, क्योंकि सेरेमनी के बाद तो नहीं ला तो सकते। देखिए, गेट तो बंद हो जाता है पर गेट तो खुल भी जाएगा, वो साइड गेट भी होगा। बताइए जगविंदर पटिया। बिल्कुल ला सकते हैं, प्रोटोकॉल के तहत ये सब जो आम नागरिक होते हैं जिनको वीजा लेकर वहां जाना होता है वो 10 से 4 बजे के बीच में जाते हैं, लेकिन जब मसला सरकारों का हो, जब मसला प्रिजनर ऑफ वॉर का हो, जब किसी पायलट का हो या फिर कोई प्रोटोकॉल हो या कोई मंत्री हो, तो उसको प्रोटोकॉल के तहत बाद में भी लाया जा सकता है। ये शर्त आम नागरिक के लिए है कि गेट बंद होने के बाद आप नहीं लाएंगे। इसमें ऐसी कोई दुविधा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता, लाया जा सकता है। अच्छा, नहीं आप जैसे मैं पिछले अगर तस्वीरों को याद करने की कोशिश करूं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, भाई सेरेमनी के वक्त तो सब लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, सब उस वहां दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप देखिए सब रोड पर आ जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। जगविंदर, फिर ऐसे में कैसे आप, क्योंकि रूट तो वही होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए रूट वही होने वाला है, लेकिन अब पाकिस्तान पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो वहां से एक पैसेज खाली करवाएंगे, वहां बगल में कमरा बना हुआ है, उस कमरे से उठाकर बाहर ले आएंगे, अथॉरिटीज एक दूसरे को हैंडओवर कर देंगे, या ये हो सकता है कि इधर से कुछ बीएसएफ के अधिकारियों को उधर बुलाया जाएगा और उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां इंटरनेशनल रेडक्रॉस के अधिकारी होंगे। सो कुल मिलाकर बात ये है कि ये पब्लिक के बीच में ये सब क्यों किया जा रहा है, आखिरकार ये पब्लिक के बीच में करके पाकिस्तान दर्शाना क्या चाहता है? क्या ये गुडविल जेस्चर होता है? क्या ये एक पीस जेस्चर होता है? सवाल ये है कि एक बहादुर वहां से बहादुर की तरह ही आना चाहिए, एक शो पीस की तरह बनाने की कोशिश ना कीजिए आप। यही पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बेसडर टायल जो है यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि हम सब भी इसी तरीके से ले रहे थे कि खामोशी में क्यों लाना चाहिए, लेकिन अब उसका प्रोपोगेंडा जो है वो समझ में आ रहा है। अपनी तरफ से उसका अपना बनाए सेलिब्रेट करें, पर पाकिस्तान की तरफ से उनको शोपीस ना बनाया जाए और उनको इस तरह से ना एक ट्रायम्फल स्टेट में किया जाए। मेजर जनरल, टाइमिंग सेट किए और इसीलिए उन्होंने जो भीड़ भर भर के ला रहे हैं, डबल डेकर बसेस ला रहे हैं, आज भीड़ इकट्ठी की जा रही है, यही एक कारण है कि जो शोपीस है जो गलत है। पर रूबिका जी, जो आपने बड़ी सही बात कही कि हम भी वाघा बॉर्डर जब जाते हैं तो वहाँ आसपास शाम को इतनी भीड़ होती है और जब सेरेमनी खत्म हो जाती है फिर पब्लिक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे कंट्रोल वाघा बॉर्डर पे होगी, क्योंकि वाघा वहाँ बीएसएफ ही कंट्रोल कर सकती है, दूसरी फोर्स वहाँ नहीं आ सकती है। तो इतनी भीड़ में लेके जाना
ये बड़ा एक हमारे लिए ऐसा विषय है कि एक भीड़ में कैसे निकल के जाएंगे, भीड़ को कंट्रोल करना वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा वैसे मैं MS बिट्टा साहब आपसे भी, मेजर जनरल सोई आपसे भी और एम्बेसडर टायल आपसे भी कह रही हूँ, अगर इस बीच आपको कोई भी ऐसी बात कहनी है या सवाल पूछना है जगविंदर से, क्योंकि हम लगातार टच में रहेंगे, मुझे लगता है हम लगातार ग्राउंड जीरो से जो है कनेक्टेड रहेंगे। वापस मैं वाघा जा रही हूँ, वो देखिए जगविंदर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बीच में अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो इतने जो BSF के IG होंगे हमारी साइड से उनसे पूछे कि मैकेनिज्म क्या डिसाइड हुआ है ट्रांसफर का। जगविंदर जी IG होंगे वहाँ BSF के, जो बिल्कुल उनका वहीं पे कमरा है गेट के पास, उनसे जरा पूछे कि एक्सचेंज का क्या प्रोसीजर डिटरमिन हुआ है, ये डिटरमिन हो गया होगा। देखिए DIG वो का यहाँ पर DIG हैं, लेकिन BSF कुछ नहीं बता रही है, ये सब कुछ जो है एयरफोर्स तय कर रही है, वो एयरफोर्स की डिस्पोजल पे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देना तो दूर की बात है, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी के, क्योंकि ठीक है ये इस तरह के हालात बने हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई भी बात उनके स्तर पर कोई चीज लीक हो जाए। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि एक बार वाघा वो पहुंच जाए फिर हम आपको बता देंगे कि कितनी देर में वो क्रॉस करेंगे और क्या वो लोगों के बीच में से उनको लाया जाएगा या लोगों को साइड पर करके उनके सामने उनको लाया जाएगा, इन तमाम चीजों पर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब द बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी खत्म होती है उसके बाद अगले 15-20 मिनट आधे घंटे तक लोग वहां फोटो सेशन करते हैं और वो वहां जमे रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अलग तरह का माहौल होता है। और आज क्योंकि भारत की तरफ से बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी नहीं हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से लोग हो सकता है कि ज्यादा देरी तक वहां रुके रहे, तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान की मंशा क्लियर नहीं। आज ऑफिशियल टाइम बीटिंग द रिट्रीट का किस समय से किस समय तक है, क्योंकि ऑफिशियल टाइम बदलता रहता है उसका, वो सनसेट के हिसाब से होता है ना सर, कितने बजे से कितने बजे? मेरे ख्याल से वो 6:28 है जहां तक मैं आजकल 4:30-5:30 के बीच में होता है रोबिका, आजकल जो आजकल का समय है सर्दियों का 4:30-5 भारतीय समय। ठीक है ठीक है, 4:30-5 भारतीय समय, यानी आप ये समझ लीजिए कि 10 मिनट वहाँ लाहौर से पब्लिक रहेगी। हाँ, और 6 तक पब्लिक रहने वाली। जगविंदर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है शेयर कर सकते हैं? लोगों निकलने में टाइम लगता है। जी हाँ, देखिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैं उधर से जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही कनेक्टिविटी है यहाँ, मैं लगातार मैसेज पढ़ रहा हूँ कि वहां से उनके पहुंचने का मैसेज आ जाए तो मैं दर्शकों को और आपको बता दूं, उसी पे नजर रखे हुए हूँ। देखिए कल यही टाइम था वो 4:36, 1 मिनट हम ऊपर हो गए हैं, 4:36 वो टाइम था जब ABP न्यूज पहला चैनल था जिसने देश को ये खुशखबरी दी थी, जिसने देश को ये बताया था कि इमरान खान ने अपने सदन में, पाकिस्तान के सदन में ये कहा 10 सेकेंड और 15 फ्रेम में कि एक बात कहना भूल गया हूं, हमने जो पायलट कैद किया था ये उन्होंने कहा था, एकदम उनकी जुबानी बता रही हूं, उसको हमने पीस जेस्चर के तहत छोड़ने का फैसला किया है, उनको कल छोड़ दिया जाएगा। अभी आप कह रहे थे रिट्रीट का समय 4:30-5 है, 5:30-6 नहीं 4:30-5 तो 4:30 तो हो ही गए हैं और तो शुरू हो जाना चाहिए अभी। हाँ, लेकिन वो ये जो जगविंदर पटियाल और मेरी दूसरी सहयोगी प्रतिमा, वो लोग 1 किलोमीटर पहले, ये जो ICP आपको दिखाई दे रहा है पहले, हाँ वहां पर उनको रोका गया, ये इस बार इस पर्पस के लिए अरेंजमेंट किया गया है, ये हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। ये देखिए आपको एक ही जगह पर आपको जो ये भीड़ बिल्कुल मेरे नीचे वाली तस्वीर में नजर आ रही है, ये वो जगह है जहां से आप देखेंगे आपके शूरवीर को आते हुए। कल देखिए हमने कैसे खुशखबरी देश को सुनाई थी, सबसे पहले हमने, और गर्व से कहने की बात है ये। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल पाकिस्तान की तरफ से भारत को वापस सौंपा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ABP न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, विंग कमांडर अभिनंदन जो कल से पाकिस्तान की कस्टडी में है उन्हें लेकर बड़ा बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से अब आया है, कल पायलट अभिनंदन को वापस भारत को सौंपा जाएगा। ABP न्यूज खबरें जो देश को रखते हैं। ये देखिए कल हमने देखिए सबसे पहले खबर आपको बतानी है, जगविंदर के पास कोई जानकारी आ रही है? जगविंदर
देखिए अभी वाघा नहीं पहुंचे और जिस तरह से आप इमरान खान को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि कल दिया जाएगा, मुझे लगता है कि जिस बात की हम बार बार आशंका जता रहे थे, शायद पाकिस्तान को लगता है कि वो बात उनके कानों में पड़ गई है। जैसे हम कह रहे थे कि ये शोपीस बनाया जा रहा है, शायद इसके बाद फैसला बदला हो, हालांकि सफाई नहीं आई है। जिस तरह से आपने खबर दी कि आज नहीं कल भेजा जाएगा, तो बड़ा सवाल ये है कि यहाँ तो तमाम तैयारियां मुकम्मल है, फिर ये इमरान खान ने क्यों कहा गया, आखिरकार इसकी क्या वजह है? यहाँ पूरा देश इंतजार कर रहा है, एयरफोर्स और बाकी जगविंदर कहीं अटारी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। नहीं, अच्छा जगविंदर आप वहां पर वाघा बॉर्डर पर है ना, वो 24 घंटे पहले जो इमरान खान ने जानकारी दी थी ना, हम वो बता रहे थे कि एबीपी न्यूज ने कैसे आपको आगे रखा और सबसे पहले वो जानकारी आपको दी। और थैंक गॉड अभी जो खबर आप कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैसे ही जो रूटीन और जो टाइम मुकर्रर किया गया है, आप बस अपना व्हाट्सएप जगविंदर चेक करते रहिए, क्योंकि किसी भी पल आपको आपके सूत्र वो जानकारी और वो खुशखबरी दे सकते हैं, मेजर जनरल सोई। लेकिन ये तस्वीरें होंगी तो अद्भुत, बदनीयती से हो, किसी प्लानिंग से हो, जो भी हो, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये देर होती जा रही है और देश का हर नागरिक इंतजार में है, सुबह से वहां पर अपने जोश के साथ बैठे हुए, और मेरे ख्याल से हर नागरिक सब प्रोग्राम छोड़कर आज न्यूज चैनल पर लगा हुआ है, न्यूज चैनल पर देख रहा है कि वो किस प्रकार आगे आएगा, कहां पहुंचेगा, जैसे देश भारत का एक सुपुत्र वापस आ रहा है। मेजर जनरल सोई, आप अपने किसी योद्धा को और आपका जूनियर हो, जब कोई बहुत शानदार काम करके आता है तो आप किस तरीके से, जैसे अगर मैं कोई अच्छा काम करूंगी, मेरा सीनियर एंकर कहेगा बहुत ही शानदार बुलेटिन किया तुमने, हमारा एक अपना एक अंदाज होता है, फौजियों का क्या अंदाज होता है? एक इसको बयां करना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग होती है कि एक ये हमारा शेर जिसको मैंने जो काम दिया था करके आया, जैसे कि शायद आपको विक्रम बत्रा की बात याद होगी कारगिल युद्ध में, जब उसने कहा था कि या तो मैं झंडा फहरा कर आऊंगा या झंडे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। और ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने के बाद जब सीओ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा दिल मांगे मोर। इस तरह के विचार होते हैं कि क्या चाहिए बेटे, बता तुम्हें क्या चाहिए, मतलब अब तो चांद तारे जो हैं वो तुम्हारी झोली में भर दिए जाएंगे। हम लोग एक बहुत भावुक मर्सेंटाइल कंट्री है, लेकिन उस भावुकता में सच्चाई बहुत है। भावुकता में सच्चाई भी है और उसके पीछे बहुत स्टील भी है, और पूरे देश का ये रिजॉल्व बहुत ज़रूरी है कि पूरा देश एक आवाज़ से बोले, और हमारी आर्म फोर्सेस को, हर जवान को ये पता हो कि पूरा देश उनके पीछे है, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, और इससे दुश्मन के हौसले पस्त होते हैं। और इस तो जितना स्वागत का हो रहा है, पूरा देश उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी वापस आए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज अभिनंदन जी के लिए खुद है, उनके परिवार के लिए है, पूरे हमारे जो भी यूनिफॉर्म सर्विस में जो भी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा संदेश। ये जो बात जो कह रहे हैं एम्बेसडर तायल, कि एक सैनिक क्या चाहता है कि आज देश जब वापस आ रहे हो, अभिनंदन के दिल में मैं समझ सकता हूँ कि क्या गर्व महसूस करेंगे, किस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा है, और जैसे मैं कह दूं शेर की तरह वो लड़े, शेर के जैसे ही वापस आएंगे, ये मैं बिल्कुल, मुझे इसका पूरा शेर की तरह वापस है। बेटा साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रतिमा, उस एंगल से बताइए, आपको क्या अभी भी कुछ ऐसे ही हलचल दिख रही है? एम्बुलेंस जो वहां पर थी वो अभी भी वहां पर मौजूद है? जी नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, आप लगातार मुझसे ये पूछ रही थी रूबिका कि क्या अब लोग शांत हो गए हैं, क्या जोश जुनून ठंडा हो गया, तो नहीं, देखिए तस्वीरों में आपको भीड़ में लोग तिरंगा लेकर नाचते गाते नजर आ जाएंगे। और एक और जो चीज है वो ये कि देखिए अब सुरक्षा पहले से और ज्यादा कड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है सुरक्षा हमें और कड़ी दिखाई दे रही है, बैरिकेडिंग और ज्यादा कर दी गई है, एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ सुबह ही कर दिया गया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा सुरक्षा, पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा। वो जो पायलट गाड़ी जिसको हम दिखा रहे थे जिसका रुख बाहर की तरफ था, देखिए वो एकदम गेट से सटे हुए बाहर आ गई है और वहां पर एकदम खड़ी हुई है, सुरक्षा में तैनात है, और उसके आगे बीएसएफ के कई सारे जवान बंदूक ताने यहाँ पर खड़े हैं, और सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा कड़ी है। लोगों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल कैमरास लेकर तैयार हैं, क्योंकि उन्हें उस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करना है। हम तो इनको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद है वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए उनके कैमराज में कैद हो जाए, तो मोबाइल फोन लेकर लोग बिल्कुल तैयार है अपने हीरो का स्वागत करने के लिए, उसकी एक तस्वीर खींचने के लिए। रूपिका
आपको पता है प्रतिमा, आज एक बहुत मासूम सा सवाल आया लेकिन इतना दम था उस सवाल में। जेंटलमैन, आपको भी और जगविंदर, मैं चाहूंगी आप भी इसमें जवाब दें। सवाल ये था कि अब तक अभिनंदन को उनके दोस्त अभी बुलाते होंगे, माँ जो है अभिनंदन कह देती होगी, जो साथी और जो उनके सीनियर्स हैं वो उनको विंग कमांडर कह देते होंगे, लेकिन आज देखिए वही अभी अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, शूरवीर, योद्धा, एयर वॉरियर, इस तरीके के नाम लेकर वापस आ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कुछ जो है तमगे और कुछ मेडल्स आपके लगते नहीं है, वो आपकी रूह में जज्ब हो जाते हैं, और अभिनंदन के साथ यही हुआ है। जगविंदर, देखिए जो काम किया है ना वो हम आप नहीं कर सकते, और ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, देशभक्ति चाहिए। और जब मान लीजिए कि आज हम शूरवीर कह रहे हैं, लेकिन जब वो वहां गिरे होंगे और जब लोगों ने उनको पकड़ा होगा, आर्मी के हवाले किया होगा, सबसे पहले उनके मन में एक सवाल आया होगा कि पाकिस्तान से अब वापसी संभव नहीं हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए ये शब्द भी बहुत कम है। और ऐसे सपूतों से भारत देश भरा पड़ा है और हम सलाम करते हैं अभिनंदन को, और उसके अभिनंदन के लिए इसीलिए सुबह से खड़े हैं। ऐसे शूरवीर भारत माँ के और जो हैं उनका जज्बा बढ़ाए भगवान, और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनको पूरा देश इस तरह का सम्मान देगा, सम्मान देगा जो अपनी जान देश के लिए लगा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जगविंदर आप। बेटा साहब मैं आऊं प्रतिमा के पास, कोई जानकारी है? प्रतिमा कुछ बता रही हैं आप? अच्छा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फिर मैं थोड़ा टाइम का कैलकुलेशन करूं तो 5 बजे मेरे ख्याल से मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी खत्म हो जानी चाहिए। फिर आप और 10 मिनट जोड़ दीजिए कि लोगों को की भीड़ को वहां से हटाया जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना मिनट और 20 मिनट और MS बिट्टा साहब, और हमें वो तस्वीर देखने को मिल जाएगी। 6 बजे आज तक में पहुंचना है, 6 बजे यहाँ से कितना टाइम लगेगा? या सर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बहन जी, ठीक। लेकिन बेटा साहब मुझे ये बताइए कि उस तस्वीर को देखने के लिए 20 मिनट का मुझे लगता है बस और इंतजार करना पड़ेगा। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, पता नहीं क्या बात है, भावुक हूँ मैं। खुशी भी है और किस तरीके से उनके साथ सलूक किया होगा उस वक्त लोगों ने, कैसे वो बच के आए हैं, हमारे लिए तो खुशी है ही, पर उनके ऊपर क्या बीती होगी कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। मैंने बड़े, ये तो एक अलग केसेस और कई केसेस देखे जो बॉर्डर से आते थे हमारे राष्ट्र का काम करके, जैसे बड़े सीनियर ऑफिसर, उन्होंने बताया कि हम शोर नहीं मचाते थे, हम खड़े रहते थे, हम डोल डमक्के नहीं लेके आते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे डोल डमक्के से, हमारे शोर शराबे से, हमारी प्रेस की पब्लिसिटी से, हमारी फोटो आने से, कहीं जो आने वाला है उधर से हमारे राष्ट्र का काम करके आया है बड़ी मुश्किल से, उसका कोई नुकसान ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। जो पिछले समय पर मैंने कई लोगों के लिए ऐसी मदद की है वाघा बॉर्डर पर जाके, ये मैं ज़रूर मेरे मन में एक विचार था, मैं कई बातों पे इनसे सहमत भी हूँ कि जितनी देर तक अपने घर में वापस ना आए हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें कोई भी खुशी मनाने के वक्त, हम देखो मेरा जो अनुभव है, मैं देखता हूँ कि आमतौर के ऊपर कोई ऐसा वाक्या होता, हम कैंडल लाइट जगा लेते हैं, हम तिरंगे झंडे पकड़ लेते हैं, हम वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, उसमें कई परसेंट तो बहुत अच्छा होता है, लोग दिल से करते हैं, पर उसमें कई ये भी लोग ऐसे होते हैं जो कई पब्लिसिटी की खातिर भी करते हैं, हमारा किसी जवान का नुकसान ना हो जाए, हमारे किसी, ये पता नहीं, मेरा अनुभव है, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं 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 बेटा साहब, एक तो मैंने आपको पूरा देश भावुक होते हुए देखा है। हाँ मैं देखा है, बहुत मजबूती के साथ देखा है। आज मैं कहना मेरे हमारे घर आ जाए, दिल जो है हमारे वतन की, नहीं हमारे वतन में आ जाए, इतनी खुशियां मनाए, इतनी दिवाली मनाए, घर घर में दिवाली मनाए। बिट्टा साहब का जो है ना जो विचार है वो पूरे देश के हैं कि एक जैसे अपना बेटा वापस आ रहा है, अपना भाई वापस आ रहा है, इस तरह के विचार है, हर आदमी वेट कर रहा है, इस चीज की इंतजार कर रहा है। और जो उसने जिस तरह का
अभिनंदन ने वहां पर अपना बिहेवियर किया, मैं जानता हूं कि उसने एक सोल्जर की तरह से अपने आप को बिहेव किया है, जिस तरह से हमने देखा था, जिस तरह से। लेकिन जब जब भिट्टा साहब ये बातें कह रहे थे, मैं बड़ा अपने आप को, मेरे पास वो शब्द में वो फीलिंग्स नहीं है, पर सच में सोचिए सर, आप दुश्मन के जमीन पर हैं, आपको उन सभी सोल्जर्स ने घेरा हुआ है, और आपके हाथ में चाय है। जो विलेजर्स ने तो बहुत जो इन्होंने पहली बात कही, अब हम कई बार बोल नहीं सकते, कोई बुरा ना मना जाए, पर जो इन्होंने बात की, इनका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक सोशल लाइफ में मेरा भी इस पे ऊपर एक्सपीरियंस है, अपनी जमीन पे आ जाए, बस पैर रख दे, वंदे मातरम भारत माता की जय। मैं बिट्टा साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक यहाँ आ नहीं जाए, हम कोई टाइमिंग नहीं कह सकते, जिस तरह सुबह से डिले होता जा रहा है, जब तक वहाँ का मौसम। मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मतलब मुझे ये लगता है बिट्टा साहब, मैं सच में आप जो कह रहे हैं एक एक बात मानने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उस पल से सोचने लगे, हो सकता है आप मुझे एस्केपिस्ट कहें, हो सकता है आप कहें कि अरे आप क्यों नहीं सोच रही हैं दूसरा पहलू। नहीं, हम देखो, हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर नहीं, सर कोई नहीं, 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 नहीं विश्वास नहीं कर उसके आने में, और कोई बात आएगा जरूर, वो आना है, वो आना है, आ जाए, आ जाए, घर घर में ऐसी दिवाली मनाई जाए जिसका इतिहास हो। देखिए पाकिस्तान सुबह से दी ईद, दिवाली, होली, आप जो कह दीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उनकी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, तो मैं ये तो नहीं समझता कि कोई आने में अड़चन होगी। मुझे हमेशा बस यही जो है कि वो उनको स्पेक्टेकल ना बनाया जाए, उनको शोकेस ना बनाया जाए, उनका कोई ह्यूमिलिएशन ना हो, जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी से हमारी तरह तो आ रहे हैं, कोई जनता उनके ऊपर कुछ कटाक्ष ना करे, कुछ उनको कुछ कहे नहीं, बड़े सवाल जो बस कोई भीड़ में कोई कुछ कह देता है तो वो ऐसा को इस तरह लाया जाए कि जल्दी से वो क्वाइटली आ जाए, फिर हम कैसे स्वागत करते हैं, कैसे कर्मजोशी से करते हैं, वो हमारे ऊपर है। ओके सर, मैं जगविंदर पटियाल का रुख करती हूँ, कितना प्रोटेक्टिव है देखिए उस सोल्जर के लिए जिसने इस पूरे देश को प्रोटेक्ट किया है, और आज हम उनके लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जगविंदर आप तो सुन ही रहे होंगे, यहाँ बिट्टा साहब भावुक भी हो गए, और आज वो भावुकता जो है एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई को लेकर डर है, वो भावुकता का जो भाव है वो वही है। देखिए आज डरने की जरूरत नहीं है, आज तो आके ही रहेंगे, अब हुकूमत को पलटना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए बिट्टा साहब आप निश्चिंत रहिए, आज तो हम यहाँ सुबह से खड़े हैं, उनको लेके ही आएंगे, और पूरा देश देख रहा है, अब पाकिस्तान शायद रोक नहीं पाएगा और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जेस्चर का हवाला उन्होंने दिया है वो भारतीयों की जो ताकत है, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब अभिनंदन को कोई भारत आने से रोक पाएगा। हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने उनको रिलीज करने की अनाउंसमेंट अपनी संसद में की, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि भारत किसी तरह से कमजोर है। अगर पाकिस्तान ये जानता है कि इस बात से पीछे हटेगा तो फिर उसे बहुत जगहों से पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, हम भी कर अच्छा, रहे कितना हैं इंतजार? हम पूरे देश को ये खबर देंगे कि अभिनंदन अटारी सरहद लांग आए हैं। देखिए अभी जो वाघा से इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, मतलब हम भी उसी के भरोसे हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के भरोसे ही सारा काम चल रहा है, लेकिन वाघा पे भी अभी वो पहुंचे नहीं है। जैसे ही वाघा से 500 मीटर पहले वो पहुंचेंगे तो हम अपने दर्शकों को ये बता देंगे कि उनका काफिला वहां पहुंच गया है। इस वक्त तो बीटिंग द रिट्रीट तो चल रही है ना? जी हाँ, देखिए 20 मिनट की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की परेड होती है, तो वो 20 मिनट खत्म होने के बाद बाकी आधा घंटा जो है वो वहां मौजूद दर्शक ले लेते हैं, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि एक घंटे का वक्त लगता है, तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अभी चल रही है, तो हो सकता है कि उसी हिसाब से काफिले का टाइम अब तय किया गया हो कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बाद हैंड ओवर करना है, तो उस हिसाब से वो बाद में आए। तो मतलब लेकिन अभी वाघा नहीं पहुंचे हैं, वाघा पहुंचने के बाद और जीरो लाइन पर पहुंचने तक भी 5-10 मिनट लगते हैं। हाँ, तो इन टोटलिटी अगर मैं कहूँ तो बहुत ये हो सकता है कि पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो है, ताकि जिस तरह से उन्होंने जैमर्स लगाए हैं, जैमर्स लगाए हैं, सिक्योरिटी के